नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल सुपर अपडेट्स में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे नायक फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। नायक सन 2001 में आई एक पॉलिटिकल एक्शन थ्रिलर फिल्म थी। इस फिल्म में अनिल कपूर, रानी मुखर्जी, अमरीश पुरी, जॉनी लीवर, परेश रावल, शिवाजी सत्तम, सौरभ शुक्ला और पूजा बत्रा नजर आए थे। इस फिल्म को एस शंकर ने डायरेक्ट किया था और इसकी कहानी भी उन्होंने ही लिखी थी। इस फिल्म को एम रत्नम ने प्रोड्यूस किया था और इस फिल्म को 280 स्क्रीन के साथ 7 सितंबर सन 2001 में रिलीज किया गया था। तो चलिए जानते हैं फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। अगर बात करें बजट की, तो इस फिल्म का बजट 21 करोड़ था और इस फिल्म ने इंडिया में 11 करोड़ का कलेक्शन किया था। आपको बता दूं कि इस फिल्म ने अपने पहले दिन में 85 लाख का कलेक्शन किया था तो अपने पहले हफ्ते में 4 करोड़ 81 लाख का कलेक्शन किया था। वहीं अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने 20 करोड़ 56 लाख का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था और ये फिल्म फ्लॉप साबित हुई थी। अगर बात करें म्यूजिक की, तो इस फिल्म के लिए म्यूजिक एआर रहमान ने दिए थे। इस फिल्म में कुल 7 गाने थे और इस फिल्म का एक गाना चलो चले मितवा बहुत ज्यादा हिट हुआ था, जिसे उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति ने गाया था। तो चलिए फिल्म से जुड़े कुछ फैक्ट्स के बारे में जानते हैं। 1, अनिल कपूर से पहले शिवाजी राव का रोल आमिर खान को और शाहरुख खान को ऑफर हुआ था, पर उन्होंने इस फिल्म को करने से मना कर दिया था। 2, नायक डायरेक्टर शंकर की पहली हिंदी फिल्म थी जिसे उन्होंने डायरेक्ट किया था। 3, ये आनंद बख्शी की आखिरी फिल्म थी जिसमें उन्होंने अपनी लिरिक्स दी थी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करे, कमेंट करे, शेयर करे और ऐसी बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले, ताकि हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।